1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 5 बड़े मंत्र दिए। सामाजिक न्याय पर पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ लोग सिर्फ दिखावा और अपने परिवार का भला करते हैं, लेकिन समाज का भला नहीं करते। भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है और उसका पालन करती है। 2014 में दबे कुचले वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की, क्योंकि पहले बादशाही वंश ने उनकी आवाज कुचल के रख दी थी। दबे कुचले, दलित, पिछड़ों और महिलाओं के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। बीजेपी स्थापना दिवस के साथ ही हनुमान जयंती होने के कारण उन्होंने बजरंग बली का जिक्र करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर लेकिन संदेहों से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। भाजपा कार्यकर्ता भी हनुमान जी के जीवन आदर्शों से प्रेरित होकर काम करते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। हनुमान जी का जिक्र जारी रखते हुए पीएम मोदी ने अपने फेवरेट टॉपिक परिवारवाद और करप्शन पर कहा, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार जब भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कानून व्यवस्था की बात आती है तो बीजेपी भी उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। माँ भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। परिवारवाद, वंशवाद और क्षेत्रवाद की वंशज हैं सभी पार्टियां, जबकि भाजपा का कल्चर है एक दूसरे के लिए खप जाना। पीएम मोदी ने बीजेपी के भविष्य के विजन पर भी अपनी बात कही। वे बोले, आइए हम सब अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, सभी का दिल जीतने, माँ भारती के सपनों को पूरी तरह से साकार करने का संकल्प लें। बीजेपी के निरंतर विस्तार की दिशा में काम करना होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। सांसद और चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं को जानकारी देने की दिशा में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी के ज्यादा स्रोत हैं। बीजेपी के अलग अलग मोर्चे भी अपने अपने माध्यम से समाज की मदद कर सकते हैं। भविष्य के विजन में पीएम मोदी ने युवाओं और सोशल मीडिया की जरूरत की भी बात बताई। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का दौर है और पार्टी को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ना होगा। सोशल मीडिया के नए तौर तरीके जैसे रील्स, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के दौर में युवाओं से जुड़ना होगा। इसके लिए पार्टी में टेक्नोलॉजी सेल और युवाओं की टीम बना सकते हैं। एक्सपर्ट से सुझाव और मदद भी ले सकते हैं। साथ ही विश्व की दूसरी पार्टियों के साथ संवाद बढ़ाने की जरूरत है। यूथ विंग और महिला विंग को दूसरे देश की पार्टियों से जुड़े हुए लोगों से संपर्क बनाना चाहिए, ताकि उनके तौर तरीके को भी समझें। इस तरह पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले को नए अंदाज में पेश किया और बीजेपी को और विकसित बनाने पर जोर दिया। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें और सब्सक्राइब करें आज तक।